क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ये नाटक अपने फायदे के लिए कीजिए, मैं अपने मकसद के लिए करूंगा। मकसद? तुम्हारा क्या मकसद है? चाइल्ड केयर सर्विसेज वालों को गलत प्रूव करना है, और मेरे इस नाटक से उन्हें शक भी नहीं होगा। वो किसी भी गेटअप में आए, प्रीशा और मुझे हैप्पी कपल ही देखेंगे, और फिर हम पर जासूसी करना बंद कर देंगे। अब बस हमें बंटी की शादी अच्छे से करनी होगी। क्या वो कुछ गलत कहा क्या मैंने? पहली बार हम दोनों एक जैसा सोच रहे हैं, एक दूसरे के साथ हैं। ट्रस्ट मी, इट मींस अ लॉट। लेट्स सेलिब्रेट दिस मोमेंट। बबल, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। प्रीशा, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूं। फांसी से बड़ी सजा देने वाला हूं मैं तुम्हें, और वो है मेरा प्यार। कम कम प्लीज, कम माय लेडी, माय वाइफ, यू नीड सम हेल्प, लेट मी हेल्प यू। पीछे रख दो ना, आगे आराम से बैठ जाओ। मैं रख देता हूँ। ये बहुत भारी है, क्या इसमें? मेरा सर। Yeah, be comfortable, comfortable. सीट बेल्ट पहन लो। पता है मुझे। लिमिट तो मैं अब क्रॉस करने वाला हूँ वाइफी। जितना दूर भागोगी उतना करीब आता जाऊंगा मैं तुम्हें तड़पाने के लिए। अभी से शक्ल बिगड़ गई? अभी तो तड़पाना शुरू भी नहीं किया है मैंने। रुको डार्लिंग, असली मजा तो अब आने वाला है। क्या गाना है यार, ये तो मेरा फेवरेट गाना है। हाय सेक्सी, हेलो, हाउ आर यू? लिसन सेक्सी, व्हाट आर यू डूइंग टुनाइट? नीली नीली आंखें मेरी, मैं क्या करूं? गोरे गोरे गाल मेरे, मैं क्या करूं? चेहरा मैं ले जाऊं कहां, हुस्न को छुपाऊं कहां? रोमियो हजार आगे पीछे दौड़े। सेक्सी 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 sexy, even better. क्या कर रही हो, क्या कर रही हो तुम? इतने अच्छे रोमांटिक गाने चल रहे हैं, क्यों बंद कर दिया? हा? क्या हुआ? दूर रहो मुझसे। कहा ना मैंने दूर रहो, समझ में नहीं आता तुम्हें? एक्सीडेंट हो जाएगा। इतना दूर क्यों बैठी हो? कूदने का इरादा है क्या? दोबारा टच करोगी ना तो मैं कूद जाऊंगी। कूद जाओगी? सच में कूद जाओगी? इसका मतलब सारांश मुझे इतनी आसानी से मिल जाएगा। क्या बात है यार, क्या बात है? क्या? मतलब तुम कूद जाओगी तो मर जाओगी ना, तो फिर सारांश तो मेरा हुआ। सिंपल लॉजिक। अब मुझे प्लीज ड्राइविंग पे कॉन्सेंट्रेट करने दो। डोंट डिस्टर्ब मी, एक्सीडेंट हो जाएगा। टेक्स अ लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टू ड्राइव। चाहे रहो दूर चाहे रहो पास, सुन लो मगर एक बार, एक डोर से बंधोगी सनम किसी दिन हमारे साथ। चाहे रहो दूर चाहे रहो पास, सुन लो मगर एक बार, तुम इस गली तो मैं उस गली से आऊं। कॉन्सेंट्रेट करो ना। चाहे रहो तू चाहे। इधर आओ जरा। तुम मुझे तो इतना कुछ समझाते रहते हो, खुद भी तो देखो क्या कर रहे हो। वो देखो वहां पे प्रीशा को।
कपड़े देखो उसके, क्या पहन के रखे हैं उसने। दुनिया वाले क्या बोलेंगे, कैसे चीट करते हो तुम अपनी बीवी को। खुराना खानदान की बहू है वो, समझे ना। किसी अच्छे डिजाइनर के कपड़े पहनाओ उसे, हमारी इमेज का सवाल है। नो वरी पापा, इसका इंतजाम मैं कर चुका हूँ। नो वरी। वाइफी मेरी जान, ये तुम्हारे लिए। ठीक है, मैं नहीं पहनूंगी। एक्टिंग कर रहा हूँ मीडिया के सामने, तुम भी करो मेरे साथ। सारांश का साथ चाहिए ना। स्माइल फॉर द कैमरा। ये डिजाइनर ड्रेस है, देखो। यू लाइक इट? नहीं। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए शादी का गिफ्ट। वैसे तुम कुछ भी पहनो ना, तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लगती हो। अब चलें स्वीट हार्ट, हमारी भी तो नई नई शादी हुई है, हमें भी टाइम मिलना चाहिए ना एक साथ स्पेंड करने के लिए। क्यों ऐसे शक्ल मत बनाओ, थोड़ा स्माइल करो कैमरा के सामने। ये क्या कर रहे थे तुम? ये मीडिया के बहाने? खबरदार जो मेरे पास आया मुझे टच करने की कोशिश की। अब जाओ कपड़े उठाओ और जाके चेंज करो, वॉशरूम आए क्विकली। ये कपड़े, ये अजीब से कपड़े मैं नहीं पहनती, मैं नहीं पहनूंगी ये। ठीक है फाइन, मत पहन। सारांश को भूल जाओ। ये क्या, तुम बात बात पे मुझे धमकी देते रहते हो? ये धमकी मैंने नहीं, चाइल्ड केयर वालों ने दी है, मैं बस याद दिला रहा हूँ। और एक बात अच्छे से समझ लो कि मुझे तुम्हारे करीब आने में और तुम्हें छूने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनफैक्ट इससे बड़ा कोई टॉर्चर नहीं है मेरे लिए। और ये ड्रेसेस मैंने तुम्हें मीडिया के सामने इसलिए दी थी ताकि सबको लगे कि हम एक हैप्पी लविंग कपल हैं और सारांश का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। अगर हमारे रिश्ते की असलियत सबके सामने आ गई तो सारांश दूर हो जाएगा हमसे। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें क्या करना है, प्यार करने वाले पति पत्नी का नाटक करना है या फिर ये ड्रेस नहीं पहननी और सबको बताना कि हमारे बीच प्रॉब्लम्स हैं। क्या करोगी बताओ? ठीक है, पहन लेती मैं घटिया ड्रेस। हाँ तो मुंह क्या देख रहे हो, जाओ पहनो। वॉशरूम कहाँ है? अभी बताया ना वहाँ है। अभी कब बताया वहाँ है? तुम्हारी मेमोरी प्रॉब्लम भी है, चेक करवा लेना। तुम अपना दिमाग चेक करवा लो। अपनी बात तुमसे कैसे मनवानी है ये मैं अच्छे से समझ गया हूँ प्रीशा। अब देखो मैं तुम्हें कैसे टॉर्चर करता हूँ। उठाकर लेकर आयो? ये डिजाइनर ब्लाउज है, पीछे कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक बटन के अलावा पूरा पूरा ब्लाउज होल्ड करने के लिए। गलत साइज है ये। गलत कैसे हो सकता है? देखो ये आगे नहीं है, मेजरिंग टेप है। एक बार भी किसी लड़की को देख लो ना तो उसका साइज मुझे ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। अरे बदतमीज आदमी। क्या बोला? क्यों बदतमीज? क्यों, साफ साफ तो बोल रहा हूँ। गलत हो तुम इस बार, समझे? अरे इम्पॉसिबल, गलत कैसे हो सकता हूँ? इतनी लड़कियों को डेट किया मैंने, इतने ड्रेसेस गिफ्ट किए, हर बार परफेक्ट फिट आया और इन आंखों से मेजर किया था मैं। उनको फिट आया होगा, मुझे परफेक्ट फिट नहीं है, गलत है ये साइज। ऐसा कैसे हो सकता? नहीं हूं मैं। फिर तो चेक करना पड़ेगा। क्या? तुम्हारा साइज चेक करके बताता हूँ ना। दूर रहो। अरे साइज चेक करना ही पड़ेगा। दूर। एक बार देखने तो मुझे, मैं परफेक्ट साइज बता दूंगा। पागल हो क्या तुम? हटो, दूर हटो। चेक कर सकते हैं तुम? क्यों? बस यही डर तो देखना है तुम्हारे चेहरे पे प्रीशा। कोई जरूरत नहीं है चेक करने की। ये मेरी इज्जत का सवाल है, मैं गलत कैसे हो सकता हूँ? तुमने कहा कि मैंने गलत साइज बोला, ये तो मुझे नहीं।
वरना क्या मार डालोगे मुझे जैसे मेरे भाई को मारा था।